बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ अमेजिंग कलेक्शन लेकर के, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे मैं आउटफिट लेकर के आई हूँ। सारे ही बहुत ही सुंदर है, सारे ही फेस्टिवल पे जाने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं एल साइज़ के कपड़े पहनती हूँ मोस्टली सारे ही ब्रांड में। एंड डब्ल्यू में मेरा नंबर 12 होता है और बीबा में मेरा नंबर 36 होता है। मोस्टली ये क्वेश्चन हमेशा ही मुझे आते हैं, सो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। सो बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हो, सो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। फ्यूचर में मैं इस तरीके के और भी प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहूं। सो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटफिट के साथ। बहुत ही प्यारा सा ये आपको आउटफिट मिलने वाला है। कलर ग्रीन है, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन है। ये इंडियन स्किन कलर्स पे ना बहुत ही सही जाता है और फेस्टिवल पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्यारा सा ग्रीन है, देन उसके साथ जो नेक पे वर्क किया गया है बहुत ही सुंदर है। आपको इस तरीके के जो कुर्ते होते हैं ना, एक तो ये हमेशा ही जाते हैं, ये फैशन के अकॉर्डिंग नहीं रहता है कि अभी ये फैशन में है या नहीं है। ये वाले कुर्ते हर हमेशा ही रहते हैं फैशन में और हर ओकेज़न पे भी जाते हैं। चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, अपने वर्क स्पेस पे पहनना चाहते हो, अपने घर पे पहनना चाहते हो, किसी वेडिंग फंक्शन में पहन भी सकते हो आप। हर किसी ओकेज़न पे इस तरीके के आउटफिट काफ़ी प्यारे भी लगते हैं और काफ़ी स्टाइल करके आप इसे वेयर कर सकते हो। कलर बहुत ही सुंदर है, ग्रीन है। फैब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो प्योर कॉटन फैब्रिक आपको मिलने वाला है और यहाँ पे आपको नेक पे इस तरीके का एक पैचवर्क मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको अच्छा खासा पैचवर्क मिल रहा है। यहाँ पे आपको गोल्डन पोटली बटन्स भी मिल रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे। नेक पे पूरा आपको गोल्ड वर्क मिल रहा है और फेक मिरर्स के साथ इस पे आपको हाईलाइटिंग मिल रही है। ऑल ओवर कुर्ता आपको प्लेन और बेसिक मिल जाएगा। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो साइड से एक स्लिट मिल रही है कुछ इस तरीके की। और कुर्ते की लेंथ ना आपको डिसेंट मिल रही है, बहुत शॉर्ट नहीं है, बहुत लॉन्ग नहीं है, स्टाइलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। स्लीव्स एकदम प्लेन है, बिल्कुल बेसिक सा उन्होंने रखा है यहाँ पे गोल्ड पाइपिंग के साथ। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सैटल सा आउटफिट है, बट बहुत ही तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गोल्डन दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है, आप इसके साथ हॉट पिंक कलर भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही क्लासी लुक देगा वो भी। आप इसे बहुत ही तरीके से वेयर कर सकते हो, स्कर्ट पैंट्स इवन डेनिम पे भी आप इसे पहन सकते हो, बहुत ही स्मार्ट लगेगा। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट ब्रांड ऑर्लिया से है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे आपको हॉट पिंक कलर का आपको ये एक नारकली कुर्ता मिलने वाला है, बिल्कुल फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही है ये। इस पे ग्लिटर शाइन सब आपको मिलने वाला है और ये फेस्टिवल्स पे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इस तरीके के दिवाली पे तो इस तरीके के कलर्स और इस तरीके का जो गोल्ड होता है ना, बहुत ही सही जाता है। अगर आप करवा चौथ की शॉपिंग करना चाहते हो, तीज की शॉपिंग करना चाहते हो, किसी भी ओकेज़न पर आप इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। पिंक कलर का आपको ये आउटफिट मिलने वाला है। नेक लाइन इसका पैक है, गोल्ड आपको प्रिंट मिल रहा है कुछ इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा गोल्ड मिल रहा है, बहुत ही सुंदर और शाइनी है ये। देन यहाँ पे आपको गोल्ड बटन्स मिल रहे हैं जो कि यहाँ तक है और ऊपर के 2 गोल्ड बटन्स जो है ये वाले फंक्शनल है, बाकी ओनली सो पर्पज़ के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। सो आपको ये ना इस तरीके के यहाँ पे ना फैब्रिक की गैदरिंग वाली आपको मिल रही है ये आउटफिट। सो बहुत ही प्यारा, यहाँ पे आपको नीचे आते हुए फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट है, जॉर्जेट फैब्रिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अच्छी खासी यहाँ पे आपको गैदरिंग मिल जाएगी जिसके ऊपर आपको ना गोल्ड आपको मिल रहा है, डॉट्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा है। ये निकलेगा नहीं, ये वाले जो होते हैं ना इस पे जो गोल्ड डॉट्स लगाए गए हैं ये निकलते नहीं हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी करता है। फैब्रिक जॉर्जेट है तो अंदर आपको लाइनिंग प्रोवाइड करवाई गई है जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। और फैब्रिक देख लेते हैं कैसा इसके साथ आया है। तो फैब्रिक आपको कॉटन मिल रहा है, बहुत ही फाइन कॉटन मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस तरीके के अगर आपको लाइनिंग अच्छी मिलती है ना तो आप आउटफिट ज़्यादा लंबे टाइम तक वेयर कर सकते हो और काफ़ी कम्फर्टेबल भी रहते हो। नीचे आपको अच्छा खासा इस तरीके से ब्रॉड, इतना ब्रॉड यार कितना खूबसूरत लग रहा है देखो, इतना ब्रॉड आपको यहाँ पे प्रिंटेड मिल रहा है बॉर्डर जो कि पूरा कम्प्लीटली प्रिंट है, ऑल ओवर है। आपको फ्रंट पे भी सेम बॉर्डर मिल रहा है और बैक साइड पे भी मिल रहा है। सो अगेन प्रॉपर, जिसे आप प्रॉपर बोलते हो ना फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग आउटफिट होना, सो ये है एक तो कलर और इस पे जो मोटिव है गोल्ड का बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा है। सो आपको ऑल ओवर कुर्ते पे यही प्रिंट मिलने वाला है, फ्रंट पे भी यही मिल जाएगा और बैक पे भी आपको सेम यही प्रिंट मिल रहा है। बैक साइड पे आपको इस तरीके की फैब्रिक की गैदरिंग बैक पे भी मिल रही है और यहाँ से आपको एक फैब्रिक से इस तरीके का टाई के लिए दिया गया है,
अगर आउटफिट लूज है तो आपको अल्ट्रेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से टाई करके आप वेयर कर सकते हो। साथ में टैसल्स मिल जाएंगे गोल्डन थ्रेड के बने हुए, जो कि अगेन बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्रिटी है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर हम इसके स्लीव्स की बात करते हैं तो आपको जॉर्जेट स्लीव्स मिल रहा है, बिल्कुल सी थ्रू है, बहुत ही सुंदर लगता है। 3/4 है यहाँ पे, अगेन आपको गोल्डन कलर की फैब्रिक के साथ यहाँ पे इसकी हाईलाइटिंग की गई है। और इस पर भी आपको गोल्ड वाले डॉट्स मिल रहे हैं, जो कि आपको कुर्ते के यहाँ पे मिल रहा है, अगेन यहाँ पे भी मिल रहा है। सो कम्प्लीटली आउटफिट बहुत ही सुंदर है, कलर बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट ब्रांड बीबा से है, कलर अमेजिंग अमेजिंग कलर है, मतलब बहुत ही प्यारा। आपको मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता मिलने वाला है, फैब्रिक कॉटन है, बहुत ही प्यारा सा आपको ये कुर्ता मिल जाएगा। इसमें एक साइज़ मुझे बड़ा आया है, सो पता नहीं क्यों मैं इसे रिप्लेसमेंट में डालूंगी, बट देखो यार कितना सुंदर है। एक तो फैब्रिक आपको कॉटन मिल रहा है, बट इस फैब्रिक पे भी ना आपको थोड़ी सी शाइन मिलने वाली है, डल साइड वाला ये आपको कॉटन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़रा सी शाइन है। फैब्रिक जो उन्होंने कॉटन का रखा है बहुत ही बढ़िया रखा है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और साथ में ही ये थोड़ा थिक साइड पे है, तो सी थ्रू वाला इशू बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो मोस्टली कुछ आउटफिट में होता है कि फैब्रिक अगर थोड़ा सा थिन होता है तो सी थ्रू वाला इशू आता है, बट इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। सो वापस आ जाते हैं इस आउटफिट की तरफ। आपको इसका नेकलाइन मैं दिखाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल इसका नेकलाइन है, देखो राउंड है और यहाँ से आपको यहाँ पे छोटा सा वी कट मिल रहा है, और पूरे नेक पे आपको ना थ्रेड वर्क मिलेगा और सीक्वेंस वर्क, गोल्ड वर्क बहुत ही सुंदर तरीके से, नीट तरीके से किया गया है, बिल्कुल हाथों में नहीं आ रहा है, बिल्कुल इरिटेट नहीं कर रहा है, और अमेजिंग दिख रहा है, अमेजिंग दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस पे जो प्रिंट भी किया गया है ना बहुत ही सुंदर है, येलो और ग्रीन रेड इन सारे ही कलर्स का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा ये आउटफिट है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड आउटफिट है ये, तो आप बिल्कुल अगर आप चाहो ना, अगर मेरा आप सजेशन जानना चाहो या आप इस तरीके के आउटफिट, तो ये वाला आउटफिट तो आपको लेना ही चाहिए, बहुत ही प्यारा लगेगा, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, और आप मुझे थैंक यू बोलोगे क्योंकि इसका फैब्रिक, इसका पैटर्न बहुत ही क्लासी है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। सो स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, साइड से आपको एक स्लेट मिल जाएगी, अच्छी खासी आपको ठीक ठाक स्लेट मिल रही है। कुर्ते की लेंथ आपको ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं मिल रही है और बहुत शॉर्ट नहीं मिल रही है, आपको स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग और परफेक्ट आपको लेंथ वाला ये आउटफिट मिलने वाला है। कितनी बातें कर रही हूँ मैं इस आउटफिट के बारे में, लिटरली फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे इसके ना एक रेड में भी है, मैंने जिसे उसे भी ऑर्डर किया और इसे भी ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे दोनों ही इतने सुंदर लग रहे थे ना, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे कौन सा मंगाना चाहिए, तो मैंने दोनों ही ऑर्डर कर दिया है, तो बहुत ही प्रिटी है। सो इसके स्लीव्स भी अगेन बहुत ही प्यारा है, देख लो इस तरीके का बेल स्लीव्स है, बहुत ही प्यारा है, एकदम यूनिक है। आपने इतने सारे स्लीव्स पहने होंगे, शॉर्ट स्लीवलेस एंड जो भी पहना होगा ना, बट ये वाला बहुत ही डिफरेंट है, अभी बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि नीचे से आपको पैलर मिल रहा है, ऊपर नहीं, बस नीचे इतना सा आपको मिलने वाला है। पूरे ही आपको स्लीव्स पे भी अगेन वही प्रिंट मिल जाएगा, साथ पे इस पे ना गोल्ड प्रिंट भी है, जो कि बहुत अच्छे से ना विजिबल नहीं है, बट आपको ऐसे दिख जाएगा कैमरे पे, शायद ये प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा होगा, बट बहुत ही सुंदर है। इसके साथ जो बोनस आया है वो इसका मास्क है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आजकल ये सबसे नेसेसरी चीज़ हो गई है, आप लिपस्टिक लगाओ ना लगाओ, आप मेकअप करो ना करो, बट आपके चेहरे पे मास्क तो होना ही चाहिए। सो बहुत ही प्यारा आपको मैचिंग मास्क मिलने वाला है, काफ़ी खूबसूरत सा ये आपको मास्क भी मिल रहा है। पहले हम मैचिंग लिपस्टिक्स लगाते थे और मैचिंग वाले ना मेकअप लगाया करते थे, बट अब हम मैचिंग मास्क लगाया करेंगे। सो बहुत ही सुंदर आपको ये इसका मास्क भी इसके साथ आपको मिलने वाला है। कम्प्लीटली आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट बहुत ही सुंदर सा कलर है, आपको ये ब्लू कलर मिलने वाला है। ब्लू में भी डिफरेंट ब्लू है, टेल ब्लू, ब्लू से थोड़ा सा बहुत ही सिमिलर सा है, बट बहुत ही प्यारा सा ब्लू है, जो आपकी आंखों को इरिटेट नहीं करेगा, इस तरीके का ब्लू आपको मिलने वाला है। ब्रांड इसका यस गैलरी से है, और काफ़ी फाइन कॉटन है, बढ़िया सा उन्होंने कॉटन का इस्तेमाल किया है। इस पर पूरे ही कुर्ते पर आपको गोल्ड प्रिंट मिल जाएगा, इसकी हाईलाइटिंग उन्होंने इनसाइड से, आउटसाइड से नहीं, इनसाइड से ग्रीन फैब्रिक के साथ की हुई है, जो कि अच्छी लग रही है देखने में।
कहीं कहीं विजिबल है तो देखने में प्यारा लग रहा है। नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको राउंड नेक मिल जाएगा और यहाँ पे उन्होंने एक बटन लगाया है जो कि ओपनेबल है, फंक्शनल है, तो आप इसे यहाँ से ओपन करके वेयर कर सकते हो, अगेन यहाँ पे लगा भी सकते हो। और यहाँ से ये बहुत ही प्यारा सा उन्होंने ये पैटर्न रखा हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको इस तरीके से पहनना है पैकनेक तो पैकनेक पहनो, अगर आपको नहीं पहनना है पैकनेक तो आप ये बटन्स जो है वन ऊपर के बटन्स ओपन कर लो, तो ये छोटा सा आपको यहाँ से ग्रीन फैब्रिक भी विजिबल होगा और थोड़ा सा डिफरेंट आपको नेक लाइन भी मिलने वाला है। पूरे ही नेक इस साइड पर आपको इस तरीके से आपको बटन्स मिल जाएंगे नेक के इस साइड पे, और सारे ही ग्रीन हैं और ये नीचे तक आ रहे हैं। ये सारे सो पर्पस के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, ओपनेबल नहीं है। और नीचे आते हुए आपको इस तरीके से ओपन मिलने वाला है, ये आपको साइड पे मिल रहा है, सेंटर में नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा है क्योंकि हमने सेंटर वाला तो बहुत ही पहना है, बट ये साइड में जो मिल रहा है काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही प्यारा है ये भी आउटफिट। आप इसे किसी फेस्टिवल पे भी इजीली वेयर कर सकते हो। इसका स्लीव्स आपको 3/4 मिल जाएगा, अगेन वही प्रिंट आपको मिल रहा है जो कि ऑल ओवर कुर्ते पे किया गया है। बैक पे भी अगेन आपको वही प्रिंट मिल जाएगा। सो ये कुर्ता अनारकली है, सो अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा डिफरेंट है। जो इस पे जो प्रिंट किया गया है वो खड़ी की गई स्ट्राइप्स में किया गया है, बहुत ही सुंदर और प्यारा ये आउटफिट है। और ट्राई ऑन में आप देख पा रहे होंगे ये आउटफिट मुझ पे कैसा लग रहा है। सो बस यही था आज का मेरा हॉल। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।